अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इटली के बारे में कुछ ऐसी मालूमात जो कि आपके इल्म में इजाफा करेंगी। ये मुल्क जनूबी यूरोप में वाक़े है और इसकी सरहदें फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड और स्लोवेनिया के साथ मिलती हैं। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 72वां बड़ा मुल्क है। इसका कुल रकबा 3,01,336 मुरबा किलोमीटर है, जबकि इस मुल्क की आबादी तकरीबन 6 करोड़ है। इस मुल्क का सबसे बड़ा मज़हब ईसाइत है। इसके अलावा मुसलमान भी काफ़ी तादाद में यहाँ पर मुकीम हैं। नाज़रीन, माशी लिहाज से भी इटली एक मज़बूत मुल्क है। ये मुख्तलिफ जज़ीरों पर मुश्तमिल है और इसका दारुल हुकूमत और बड़ा शहर रोम है। ये शहर दुनिया का कदीम शहर माना जाता है। रोम में मौजूद एक कोलिज़म है जो कई सदियों पहले रोम के बादशाह के कहने पर बनाया गया था, और बादशाह के कहने पर ही इस कोलिज़म में एक ख़तरनाक खेल खेला जाता था। ये कोलिज़म दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा है। इटली में दुनिया की सबसे ज़्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं, जिन्हें देखने के लिए लाखों अफराद हर साल इटली आते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम दुनिया की कदीम यूनिवर्सिटियों में से एक है। ये यूनिवर्सिटी तकरीबन 1303 में तैयार की गई थी। नाज़रीन, इटली दुनिया के खूबसूरत मुल्कों में से एक है और फैशन के हवाले से भी इटली सरे फहरस्त है। दुनिया की सबसे बड़ी फैशन कंपनी भी इटली में है और दुनिया का मशहूर फाउंटेन ट्रेवी फाउंटेन है। इसके बारे में कहा जाता है जो शख्स इस फाउंटेन में कॉइन फेंकता है वो अपनी ज़िंदगी में यहाँ दोबारा ज़रूर आता है। और नाज़रीन, फोक यानी कांटे वाला चम्मच भी सबसे पहले इटालियन पास्ता की वजह से इटली में बनाया गया था। इटली में 5 साल से 15 साल तक के हर बच्चे को स्कूल भेजना वालदैन पर लाजिम है। बच्चे की एब्सेंस की सूरत में वालदैन को फाइन किया जाता है। इटालियन लोग कुत्तों से बहुत प्यार करते हैं, यहाँ तक कि इनके डॉग्स इनके साथ बिस्तर में सोते हैं। ये लोग गधे का गोश्त बहुत शौक से खाते हैं। इटली दुनिया भर में शराब बनाने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। इटली में अगर कोई बग़ैर लाइसेंस के गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा जाए तो इसकी कार जब्त कर ली जाती है और इसको 1500 यूरो जुर्माना भी किया जाता है। इटली में सड़कों के नाम शहरों के नाम से भी रखे जाते हैं, जैसे सड़के रोम, सड़के मिलन। इटली में जब कोई मरता है और तो इसे कार से जब निकाला जाता है तो यहाँ तालियां बजाई जाती हैं। और इटली में जब किसी की शादी होती है तो सब कार वाले हॉर्न बजाते हैं और हर तरफ हॉर्न का शोर होता है। नाज़रीन, इटली की करेंसी यूरो है, जो कि मौजूदा पाकिस्तानी 197 रुपये बनते हैं। इटली के साइंसदानों ने एक ऐसा पौधा लगाया जिसमें एक ही वक्त में 2 सब्जियां उगती हैं। उन्होंने आलू पर टमाटर का पैवंद लगाया। इस पौधे की जड़ से आलू और शाखों से टमाटर उगते हैं और इस पौधे का नाम टोमेटो रखा गया। और इटली का शहर वेनिस पेरिस के बाद दुनिया का खूबसूरत शहर माना जाता है। नाज़रीन, आज इस वीडियो में आपने बहुत सी ऐसी मालूमात जानी जो कि हैरत अंगेज थी। हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।